इंडिया का टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट विच इज सेट टू बी द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड इज इन क्राइसिस। इसके बारे में हम अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के क्राइसिस में होने का एक बड़ा रीजन पेंडेंसी ऑफ केसेस का है। कैसे सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस 70,000 अपील्स और पिटीशंस का बोझ उठाते हैं, लेकिन फिर भी केसेस की पेंडेंसी इतनी है दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर 34 जजेस टू फिनिश इट। और यही रीजन है कि एक केस इतना टाइम लेता है टू गेट रिजॉल्व्ड। पर ये सिचुएशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में भी केसेस का बैकलॉग है। उस वीडियो में आपको याद होगा हमने कहा था दैट सीइंग द सिचुएशन ये बेस्ट होगा कि लोअर कोर्ट्स मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैंडल करें। और लगता है कि कोर्ट्स ने हमारी ये बात सुन ली, ह्यूमर अपार्ट। पर कुछ दिनों में जुडिशरी में हमें कुछ अनबिलीवेबल मिरेकल्स देखने को मिले हैं। बट हियर दीज मिरेकल्स आर सीन फ्रॉम द नेशनल लोक अदालत। लोक अदालत या फिर जिसे हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसे कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट या फिर ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अंडर दिस एक्ट द अवार्ड मेड बाय द लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट केस एंड इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। नो अपील अगेंस्ट सच एन अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर पार्टीज इस अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो लिटिगेशन को इनिशिएट कर सकती है बाय अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन। वैसे तो लोक अदालत काफी समय से इंडिया में प्रेवेलेंट है, पर उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस किसी शौक से कम नहीं है। 9 सितंबर को रांची सिविल कोर्ट द्वारा ऑर्गेनाइज की गई नेशनल लोक अदालत ने एन नंबर ऑफ लीगल केसेस को रिजॉल्व किया है। साथ ही झारखंड विक्टिम्स कंपनसेशन एक्ट के अंडर विक्टिम्स को कंपनसेशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस एस चंद्रशेखर के गाइडेंस के अंडर अदालत ने 91,000 से भी ज्यादा केसेस को सेटल किया है, इनकम्पासिंग प्री लिटिगेशन एंड लिटिगेशन सूट्स। और सभी सूट्स का पूरा टोटल सेटलमेंट अमाउंट ₹123 करोड़ तक है। रांची सिविल कोर्ट की इस नेशनल लोक अदालत की प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करने के लिए नोटेबल डिग्निट्रीज इंक्लूडिंग जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एंड जस्टिस नवनीत कुमार ने भी जस्टिस एस चंद्रशेखर को ज्वाइन किया, ताकि अदालत की कार्रवाई स्मूथली चल सके। 25 बेंचेस वर प्रिसाइडेड ओवर बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड 19 बेंचेस वर लेड बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। इस इवेंट में करीब 65 लाख रुपीज झारखंड कंपनसेशन एक्ट के तहत 35 विक्टिम्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। सिर्फ सिविल कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट भी इस रेस में पीछे नहीं रही है। द झारखंड हाई कोर्ट ऑल्सो होस्टेड अ नेशनल लोक अदालत रिजॉल्विंग अ टोटल ऑफ 77 केसेस। द इवेंट फीचर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स टू 11 बेनिफिशरीज एंड अ सेटलमेंट अमाउंट ऑफ ₹11,16,500। कर्नाटका में भी यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के वेरियस कोर्ट्स में नेशनल लोक अदालत ने टोटल 24,36,270 केसेस को डिस्पोज ऑफ किया है। कर्नाटका स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया जिसमें मेंशन था कि डिस्पोज ऑफ किए गए केसेस में ₹1,420 करोड़ के सेटलमेंट अमाउंट को अचीव किया है। इस अचीवमेंट के बाद चीफ जस्टिस परासना बी वर्ले द पार्टनर इन चीफ ऑफ KSLSA, जस्टिस जी नरेंद्रा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ KSLSA एंड जस्टिस के सोमा शेखर चेयरमैन ऑफ द हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ने स्टेक होल्डर्स के एफर्ट को अप्रिशिएट किया है। सोचिए, जहां सिर्फ 2 स्टेट्स ने ये अचीव किया है, तो व्हाट विल बी द नंबर्स इफ वी लुक इनटू द एंटायर कंट्री। जी हां, बहुत ही सरप्राइजिंग डाटा साल की थर्ड नेशनल लोक अदालत में देखने को मिला है। ये अदालत पूरे देश में हेल्ड की गई एक्सेप्ट फॉर दिल्ली एंड मणिपुर। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी विच इज ऑल्सो नोन एज NALSA की गाइडेंस में एंड अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल के अंडर इस नेशनल लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया गया। जिन दो लोक अदालत की बात हमने झारखंड और कर्नाटका में की, वो भी इसी का पार्ट है। NALSA के इशू किए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल सेटलमेंट अमाउंट इन दीज केसेस इज ₹1,223.90 करोड़। दिस सेटलमेंट ऑफ केसेस विल नॉट ओनली ईज द बर्डन ऑफ पेंडिंग केसेस इन कोर्ट्स बट विल ऑल्सो कंट्रोल फ्यूचर लिटिगेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि 1.67 करोड़ से भी ज्यादा केसेस जिसमें करीब 32.27 लाख पेंडिंग केसेस और 1.35 करोड़ प्री लिटिगेशन केसेस इस थर्ड नेशनल लोक अदालत में सेटल किए गए हैं। ये नंबर बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। इस नेशनल लोक अदालत ने जस्टिस को डिलीवर करने में एक सिग्निफिकेंट एडिशन दिया है। जस्टिस कॉल, जो NALSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है, उन्होंने क्विक और अफोर्डेबल एक्सेस टू जस्टिस पर स्ट्रेस दिया है ताकि लोगों का इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सके और NALSA को आने वाली नेशनल लोक अदालत के फ्यूचर कोर्स पर भी नेसेसरी डायरेक्शंस दिए हैं। NALSA का कहना है कि लोक अदालत ने सिर्फ रिड्रेसल का एफिशिएंट सब्स्टिट्यूट होना ही प्रूव नहीं किया है, पर इसने कोर्ट्स के बर्डन को भी स्विफ्टली और कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में रिमूव करने में एक सिग्निफिकेंट हेल्प की है। NALSA की ये बात सुन के और लोक अदालत की ये अचीवमेंट देख कर हमें भी कोई डाउट नहीं है दैट इनडीड द बैकलॉग ऑफ केसेस विच वी वर वरिड अबाउट इज रिड्यूस्ड अ बिट। और अगर पेंडिंग केसेस ऐसे ही रिजॉल्व होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कोर्ट्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाएंगे विदाउट स्ट्रेसिंग अबाउट द केसेस बैकलॉग। व्हाट डू यू थिंक?